हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज बात करते हैं इथर कैश स्कैम के बारे में। इथर कैश के बारे में आपको पता ही हुआ, एक्चुअली काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट किया था, वो भी मनी गुरु की वीडियो को देखने के बाद। मनी गुरु ने वीडियो डाली थी, काफ़ी बड़े यूट्यूबरों ने प्रमोट किया था, टेक्निकल पॉइंट, टेक्निकल संजय एंड मनी गुरु और भी अदर मैनी मैनी मोर। लोगों ने इसका रिव्यू दिया था और इसको अच्छे मुकाम तक, लाइक दिसंबर तक $1 पहुंचने की उम्मीद की थी, 100x 200x तक बोल दिया था। तो एक्चुअल में ये अभी स्कैम हो चुका है, बहुत बुरी तरह ये गिरा है, तो इसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअल में मनी गुरु की बात करें तो मनी गुरु ने इसको काफ़ी हाई लेवल पर प्रमोट किया था। तो इसकी बात करें तो इसमें आपको अब इथरी कैश की रिव्यू वीडियो नहीं मिलेगी, बाकी अदर अगर आप देखना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। तो इसके बारे में बात करते हैं, वीडियो को पूरा देखें, आपको पूरी डिटेल में बताया जाएगा। उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलो शुरू करते हैं। पहले आते हैं हम मनी गुरु के ऊपर। मनी गुरु ने इसको प्रमोट किया था इथरी कैश को। तो इथरी कैश का हम देखते हैं कि यहां से शुरू हुआ था, ये जब एक्सचेंज पर हिट किया था तो ये हिट BTC पर आया था 0.93, तो आज की डेट में ये डेडलाइन पर आ चुका है, जिसको बोलते हैं अब ये खत्म हो चुका है। तो इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्कैम शुरू से करते आ रहे हैं इथरी कैश वाले। यूट्यूबरों को पता था कि ये स्कैम है, उसके बाद भी इन्होंने प्रमोट किया तो काफ़ी बुरी बात है। तो एक्चुअल में अगर नहीं पता था तो इनकी नॉलेज पर शक जाता है। तो बात करते हैं, आई रिस्पेक्ट मनी गुरु पाजी, कोई दिक्कत नहीं है। सुमित पाजी को मैं बहुत टाइम से फॉलो करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट जहाँ पर गलत होते हैं तो हमारा फर्ज है कि हमें उन्हें बताना कि वो किस जगह गलत थे, और उन्होंने ये एक्सप्लेन भी करना चाहिए था कि वो किस जगह गलत थे। मनी गुरु की बात करते हैं, मनी गुरु इसको प्रमोट कर रहे थे, दिल्ली भी गए थे इनके ऑफिस में। एक्चुअल में हद तब होगी जब मैंने इन्वेस्ट किया, लाइक मैंने इनके रेफर लिंक से जाकर रजिस्ट्रेशन की, मुझे मुसाद के साथ इंडिया से फ़ोन आता है, सर आपने इथरी कैश में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, कब करना है। तो ये हद ही हो गई किस्म से, क्योंकि इंडिया से ही ऑपरेट किया जा रहा है। तो शुरू करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि मनी गुरु पाजी क्या कह रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरे साथ है टेक्निकल संजय, जैसे कि आप देख रहे हैं, एंड बेसिकली हम लोग साथ में कर रहे हैं इथरी कैश। इथरी कैश का अभी हो रहा है दिल्ली का फर्स्ट इवेंट, अंदर चल रहा है इवेंट। मैं इवेंट का कुछ आपको दिखाता हूँ, जो कि मैंने अभी तक अपने चैनल पर भी दिखाया नहीं दिखाया। लेट मी टेक यू, 5 लाख लगे हैं, उसमें से एक ने वेरीफाई किया और 4 लाख। मैंने जस्ट आपको एक छोटी सी झलक दी है इथरी कैश के इवेंट की, एंड दिस इज जस्ट द बिगनिंग, बिकॉज मैं और बहुत से लोग, बहुत से लीडर्स इथरी कैश करने वाले हैं फॉर द ईयर 2018। कॉइन प्राइस इज $1 राइट नाउ, एंड हमारा चांस है कि ये कॉइन को अभी बाय करें, एंड एज इस कॉइन का प्राइस 10 गुना होने वाला है तो हम 10x कर सकते हैं अपने पैसे को। बाकी आपको सबको समझाएंगे टेक्निकल संजय, आपको उन्हीं के चैनल के ऊपर। कॉइन को अभी बाय करें, एज इस कॉइन का प्राइस 10 गुना होने वाला है, 10x कर सकते हैं अपने पैसे को। उन्होंने बोला कि हम 10 गुना आराम से कर सकते हैं। तो आज की डेट में अगर हम देखें तो 10 गुना क्या भाई, यहाँ पर तो 1 गुना भी नहीं हुआ, तो डाउन ही डाउन। लाइक हिट पर एक्सचेंज किया, हिट BTC पर, उसके बाद भी डाउन गया। इन्होंने बोला कि टेक्निकल संजय अपने चैनल पर बताएंगे। टेक्निकल संजय भाई साहब ने खुद ही बता दिया कि बिट कनेक्ट है, वैसे ये इतिहास रचने वाला है। तो इन्होंने खुद ही बोल दिया भाई, उससे अंदाजा लगा लेना चाहिए था उस टाइम, नहीं है तो सुन लेते हैं। बिट कनेक्ट के बारे में सुना हुआ है आपने, रिपल कॉइन के बारे में सुना हुआ है, ये उसी का इतिहास दोहराने आया है। बिट कनेक्ट के बारे में सुना हुआ है, इसका इतिहास दोहराने आया है। वही है कि बिटकॉइन के बारे में सुना हुआ है, लाइक रिपल के बारे में, तो उसी का इतिहास दोहराने आया है, बिटकॉइन का आपको पता लग ही गया। और उसके बाद संजय भाई साहब ने ये बोला कि ये बिट्रेक्स पर आ रहा है इथरी कैश। बिट्रेक्स क्या, दूर दूर तक एक्सचेंज नहीं है, इंडियन एक्सचेंज पर आया था, उन्होंने भी डीलिस्ट कर दिया। अभी सुनते हैं। अगर आप इसे खरीदते हैं तो अभी से जनवरी में शायद ये बिट्रेक्स पे आ रहा है, बिट्रेक्स पे बेच सकते हैं, उसके पहले आप विड्रॉल नहीं ले सकते हैं, आपको लगभग जनवरी तक का वेट करना पड़ेगा। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे तक। और जब हम बात करें सुमित पाजी की, सुमित पाजी का $1 के हिसाब से इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, काफ़ी कम किया होगा, उसके बाद रेफर इनकम इनको बहुत ज़्यादा आई, लाइक आप लगा सकते हैं $39,238, अगर $1 लगा के जाओ $39,238। लाइक अगर हम बात करें कि जब इन्होंने इस 0.96 पर भी 90 पर भी अगर सेल कर दिया होगा तो काफ़ी यूज ऑफ अमाउंट इन्होंने अर्न कर लिया, क्योंकि रेफर से काफ़ी अर्निंग हो जाती है। तो ये मेरे ख्याल से अपना प्रॉफिट बुक करके निकल चुके हैं। तो एक किस्म से ये इन्होंने किया, ये बुरी चीज़ है, इनको
मुझे नहीं पता क्यों, बाकी मैं किसी से मेरी पर्सनल दुश्मनी नहीं है। तो इथरी कैश की बात करें, इथरी कैश 25 अक्टूबर को ये लेके आए, तो इसमें लैंडिंग प्लेटफॉर्म भी था, इसके बाद ये काफ़ी लेके आए कॉइन। तो इथरी कैश के हम पास्ट में चलते हैं, एक्चुअल में हुआ क्या। इथरी कैश सबसे पहले जो लेके आए थे वो थे EB3, वो बंद हो गया, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा तीसरा। जो EB3 लेके आए थे वो प्लानिंग की थी इन्होंने जून 2016 में, ऑफलाइन लॉन्चिंग इन्होंने नवंबर 2016 में MLM प्लान लेके आए थे, 10 रुपये इसकी लॉन्चिंग हुई थी। उसके बाद ये लिस्टिंग किया था CX एक्सचेंज में, उसके बाद उन्होंने भी डीलिस्ट कर दिया CX ने MLM प्लान को, क्योंकि वो भी एक किस्म से लगा के चलो बेकार था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जब इनकी बात नहीं बनी, लोगों का पैसा फंस गया, तो इन्होंने बोला कि EB3 प्रो में कर दो ना, एक यहाँ से लोगों को पता ना लगे EB3 क्या है, प्रो में इन्होंने कर दिया। जैसे ATC में हो रहा है वही चीज़ सेम हो रही है, आप अभी समझ जाओगे तो बढ़िया। तो ये EB3 प्रो में लेके आए, उसके बाद ये AB3 Pro में लोगों का पैसा लगाया, फंसाया, भागे, उसके बाद इन्होंने चेंज किया इथेरी कैश में। तो इथेरी कैश लेके आए, इथेरी कैश में इन्होंने काफ़ी बड़ा स्कैम किया, जिसमें काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट किया अपना मनी गुरु पाजी ने इस पे आपको लगा सकते हैं किया। तो इन्होंने इथेरी कैश वाले बोले कि 36 करोड़ ये अपनी कंपनी अपने पास होल्ड करेगी, देन उसके बाद जो 14 करोड़ समथिंग है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करेगी कस्टमर में। तो इनके जब हम इथर स्कैन पर जाते हैं, अगर ये कहते हैं कि इथेरियम ब्लॉकचेन ERC20 पर ये बेस है, तो उस पर जाते हैं तो इनका जो होल्ड है वो वही है, लाइक 36 करोड़ समथिंग इनका जो होल्ड बन रहा है। बट जब बात की जाए, इन्होंने जो पैसा कलेक्ट किया, टोकन बना बड़ी बात नहीं है, आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ERC20 में जितने मर्जी टोकन बनाए आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हर कोई बना सकता है, हर कोई बना बना के घूम रहा है, तो ये दिक्कत है। अब इन्होंने क्या किया, बिटकॉइन कलेक्ट किए और निकल गए, ठीक है। जब इथरी कैश इन्होंने जब ख़त्म किया, लाइक स्कैम करके चले गए, तो उसके बाद ये ले आए अपना digitalinvest.com, देख सकते हैं ये भी आपका लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, बाइनरी चलता है, जैसे रेफर इंस्टा में ROI मिलेगी पर डे, आपका होल्ड लगेगा $200 समथिंग कुछ ऐसे है। ये प्लान ये लेके आए, इतने बेशरम है, ये प्लान पे प्लान लेके आ रहे हैं, आपको बेवकूफ बना रहे हैं। तो ये आप लगा सकते हैं किस लेवल का ये स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एक तरफ से बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है, जब हम देखते हैं इथरी कैश में, जब आप फेसबुक पर जाएंगे, ये इथरी कैश के बारे में बोलते ही नहीं है, फालतू की चीज़ें बोलते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, लाइक ब्लॉकचेन, लाइक ये, चलो ब्लॉकचेन की बात करते हैं, बट अपने प्रोजेक्ट की बात बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो आप लगा सकते हैं लोग काफ़ी परेशान हैं इधर उधर की बातें करने के लिए। तो एक हिसाब से लगा ये देखो, अभी इन्होंने जो अपडेट दिया है, इथरी कैश इज नॉट जस्ट अ टोकन, इज ए मिशन। बस ये क्या बात है, सीधा ATC का छोटा भाई बोल सकते हैं इसे। तो इसमें लगा कर चलो कि काफ़ी लोग परेशान भी है, बोल रही इथरी कैश और आप रिव्यू ले सकते हैं इनकी, घर जाकर इसकी डैश मारो, जो भी चीज़ें हैं अब लगा सकते हैं कि किस लेवल का इन्होंने बेवकूफ़ बनाया। उसके बाद जब हम ट्विटर अकाउंट पर इनका जाते हैं, तो इनकी जो लोकेशन है वो दिल्ली की आ रही है, जो इनको दिल्ली से ऑपरेट किया जा रहा है। एक्चुअली ये बाहर से इन्होंने पार्टनरशिप करी, जो भी किया, तो ऑपरेट ये दिल्ली से कर रहे हैं, लिस्ट बाहर से करवाया, इनकी कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो इनका जो लास्ट अपडेट था वो मार्च को आया था, उसके बाद इन्होंने कोई अपडेट नहीं दिया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, लाइक सितंबर आ गया, तो इनके पास कोई भी अपडेट नहीं है, तो ये वहीं छोड़ के भागे। तो साफ एंड सीधी बात है भाई, अब आपका पैसा डूब चुका है, आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद इथरी कैश की बात करें, इथरी कैश इन्होंने इंडियन एक्सचेंज में भी लिस्ट किया था, तो इंडियन एक्सचेंज में जब इन्होंने लिस्ट किया था, तो इन्होंने किया था ETHXPay.in पे। जब ये इस एक्सचेंज पर आया, तो इन्होंने साथ के साथ डीलिस्ट कर दिया, इन्होंने मेल कर दी कस्टमर को, भाई अपना अपना कॉइन निकालो, हम जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि इन्होंने प्रॉमिसेस जो किए हैं, जो इन्होंने दिखाया, हमने घाला माला लग रहा है, तो आप पैसे निकलवा लो। तो सब लोगों ने जिन कॉइन निकलवाने निकलवा लो, नहीं तो हम जिम्मेवार नहीं है, साफ इन्होंने क्लियर कर दिया। उसके बाद जब हम बात करें कि इथरी कैश यहाँ इन्होंने लिस्ट कहाँ किया, HitBTC पर, लिक्विड पर आया, आज की डेट में वॉल्यूम 0.0 है, लाइक कुछ भी नहीं है, एक किस्म से बंद हो चुका है। जो मार्केट कैप वैल्यू है वॉल्यूम नहीं है, सर्कुलर सप्लाई क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है, एक किस्म से भाग रहे हैं, आपका फुद्दू बना गए हैं। लगा सकते हैं कि यहाँ पर सप्लाई भी नहीं है, कुछ नहीं है, मार्केट कैप वैल्यू वॉल्यूम नहीं है, लाइक प्राइस आपके सामने है, तो एक किस्म से स्कैम हो चुका है, आपके कॉइन आपको नहीं मिलेंगे। ये नए प्लान नए नए लाते रहेंगे और आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। अब तभी मैं कहता हूँ आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर किया कीजिए, ताकि आपको पता लगे, लोगों की बातों में मत आए। चाहे यूट्यूबर जितना मर्जी बोल रहे हैं कि ऐसे ऐड बता दे कि सलमान खान ये करता है, शाहरुख खान ये करता है, अगर मैं ICO प्रमोट करूँ तो मैं कोई वो बुरा हो गया, तो ये बात नहीं है, क्योंकि इंडिया के लोग बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं अपने ही लोगों पर, तो बात ये आ जाती है। तो अगर इसकी चेक करते हैं कि इथरी कैश की एक्चुअल में इथरी कैश कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, लाइक ये फॉरन की एक कंपनी है, लाइक ये कहाँ से हो रहा है, तो इसमें जो इनको मुर्गा बनाया गया, इंडिया के लोगों को ही मुर्गा बनाया गया, उसके बाद इन्होंने मुर्गा बनाया है पाकिस्तान को,
फिर उसके बाद अदर अदर सिटी में, लाइक इंडिया में सबसे ज़्यादा इन्होंने मुर्गा बनाया। तो अगर बात करें हम इनकी, चेक करते हैं कि इनकी एक्सचेंज की जो ट्रैफिक है सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहा है। तो सबसे पहले इनकी बात करते हैं जो इनके CEO बने हुए हैं, जब इनका हम अकाउंट चेक करते हैं, ये जो 20 साल का एक्सपीरियंस कह रहा है, 20 साल का एक्सपीरियंस पागल बनाने का है शायद, मे बी। तो जब इनके प्रोफाइल हम चेक करते हैं लिंक्ड पर, तो इनकी प्रोफाइल फ़ोटो ही नहीं है, लाइक आप देख सकते हैं, ये किस्म से फेक लगा लो या ये शो नहीं करना चाहते कि एक्चुअल में ये है क्या, आप इन पे क्लेम ना कर पाओ। ये भी बोला कि हम डेबिट सर्विस भी लेके आएंगे, ATM डेबिट सर्विस, आप किसी भी कंट्री में जाकर उनकी करेंसी कन्वर्ट कर सकते हैं। बट इन्होंने ये सबसे ज़्यादा प्रमोट ही इंडिया में हुआ है, तो कहाँ से ये लेके आएंगे, तो इनकी काफ़ी बातें झूठी हो जाती हैं। तो ये जो है एक किस्म से लोगों को बेवकूफ़ बनाना, कोई इनसे सीखे। HitBTC की बात की जाए, HitBTC पर ये अच्छी सर्विस, इन लोगों के कॉइन फंस के, विड्रॉल नहीं मिल रहे, कुछ नहीं मिल रहे, ये ब्लॉकचेन अच्छे से वर्क नहीं कर रही। इन्होंने कैडी वॉलेट बोला, वहाँ पर लोगों के कॉइन फंस के, तो मतलब काफ़ी जगहों पर इनके कॉइन फंसे ही हैं। सबसे पहले आता है इंडिया, उसके बाद नाइजीरिया, उसके बाद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ भी इन्होंने क्लोल कर दिया। तो इंडिया के लोग तो पहले इनको पकड़ते हैं, इंडिया के लोग बेचारे भोले होते हैं तो बातों में आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इथरी कैश के हालात कैसे हैं। अब आपके हालात ऐसे हैं कि आप कुछ कर नहीं सकते। हम भी चेक करेंगे तो टेलीग्राम पर भी सिर्फ ये फालतू की बातें करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, और कुछ भी अच्छी अपडेट नहीं देते हैं इथरी कैश से रिलेटेड। तो एक किस्म से टोटली ये स्कैम हो चुका है। आप इनका मैप देख लीजिए, इस डेडलाइन मैप का मतलब भी यही होता है। जो इनकी सोशल साइट्स हैं वो भी देख लीजिए, एक किस्म से ये भी डीलिस्ट हो चुका है। काफ़ी गंदा एक्सपीरियंस रहा, तो हमें काफ़ी खेद है कि मनी गुरु पाजी ने ऐसे किया। तो मुझे नहीं उम्मीद थी कि ये करेंगे, क्योंकि काफ़ी रिस्पेक्ट थी, अभी भी है, मुझे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। अभी आपको देखना है कि इसमें गलती किसकी है, यूट्यूबरों की या उन कंपनियों की जो यूट्यूबरों को हायर करती हैं ताकि वो इंडिया के लोगों को पकड़ पाएँ, अपने चंगुल में फंसा पाएँ, क्योंकि उनको पता है इंडिया के लोग ही हैं जो आँख बंद करके यूट्यूबर पर भरोसा करते हैं। तो ये अब आपको मानना है कि गलती इसमें किसकी है, कंपनी वालों की है, यूट्यूबर की है, या आप लोगों की है, इट्स अप टू यू। अच्छे कमेंट जरूर करें, अपनी राय जरूर लिखें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें ताकि आप नए नए अपडेट पर एक्टिव रहें और आपको पता चलता रहे क्या चल रहा है, कौन फ्रॉड है, कौन स्कीम लड़ रहा है। तो सब बड़े से बड़े लीडर बैठे हैं, धीरे धीरे सबको एक्सपोज करेंगे। आप सबसे पहले इनकी गर्दन पकड़ो, क्योंकि यही सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं। बाय। किसे अरे गरे बंदे नू सलाम नहीं हो मेरी, जिन्ना चिर लिखूगी ये सच लिखूगी, होरा वांगू कलम गुलाम नहीं हो मेरी। कई यूट्यूब वाले असताद आखदे साला इक्को ही तर्ज विच गाई जांदा आ।